नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको ओलिव वीडियो एडिटर के अंदर यह बताऊंगा कि कैसे हम लोग मीडिया व्यूअर का इस्तेमाल करके कैसे वीडियो को कैसे काटते हैं या कैसे स्प्लिट करते हैं इन और आउट पॉइंट देकर ओलिव वीडियो एडिटर के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा ओलिव वीडियो एडिटर खुला हुआ है। ओलिव वीडियो एडिटर जो कि एक ओपन सोर्स वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और फ्रीली इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जब ओलिव वीडियो एडिटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक विंडो है जिसका नाम है मीडिया व्यूअर। अब इसके माध्यम से हम लोग टूल से तो वीडियो क्लिप को काटते हैं, स्प्लिट करते हैं, लेकिन मीडिया व्यूअर के माध्यम से हम लोग कैसे वीडियो क्लिप को काटेंगे इन और आउट पॉइंट देकर, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया व्यूअर का ये जो विंडो है इसे हम लोग मीडिया व्यूअर विंडो बोलते हैं। और ये आपको विंडो अगर मेनू बार, ये जो मेनू बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर विंडो मेनू में अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मीडिया व्यूअर यहाँ पे शो कर रहा है। इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से इफेक्ट के बगल में मीडिया व्यूअर रहता है। तो ये अगर नहीं है तो यहाँ से आप विंडो में जाकर यहाँ से मीडिया व्यूअर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे तो ये मीडिया व्यूअर आ जाएगा। चलिए वीडियो क्लिप को कैसे काटते हैं मीडिया व्यूअर के माध्यम से देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो काम करना होता है ओलिव वीडियो एडिटर के अंदर फाइल में जाते हैं, उसके बाद न्यू में क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि इस स्टार्टिंग में आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट के अंदर सीक्वेंस रहता है कि किस टाइप के आपके वीडियोज आपको बनाने हैं, कैसे किस टाइप के वीडियो को एडिट करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करना है, प्रोजेक्ट आपने बना लिया, आप सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस में क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू सीक्वेंस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्रीसेट दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से प्रीसेट की जो बॉक्स है 1080p का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो जनरली मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे 720 पिक्सल का ये वाला सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे देखिए वीडियो का जो विड्थ होगा 1280, जो चौड़ाई होगा विड्थ है, और हाइट होगा 720 का। HD फॉर्मेट में ये वीडियो बनेगा और यहाँ पे फ्रेम रेट 29.97 फ्रेम पर सेकंड का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से मैंने चूज कर रखा। और ये जो पिक्सल है इसे रहने दे, स्क्वायर ही रहने दे, इंटरफेसिंग ये नन ही रखें। ऑडियो सैम्पल रेट 48,000 हर्ज़ का रहने दीजिए। और यहाँ पे सीक्वेंस का आप नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस 1 है, मैं यहाँ पे अपना ही नाम देता हूँ, मैं नाम दे दिया गौतम। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये जो विंडो दिखाई दे रहा है ये है आपका प्रोजेक्ट का विंडो। जब आप नया सीक्वेंस बनाएंगे तो यहाँ पे उस नाम से एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। देख सकते हैं इसका डायमेंशन भी दिया है, फ्रेम रेट भी दिया हुआ, प्लस ऑडियो फ्रिक्वेंसी ये लिखा हुआ आपको यहाँ पे शो करेगा। अब हमें वीडियो क्लिप लेकर आना है। तो वीडियो क्लिप को लेकर कैसे आते हैं, सिंपल है। तो आप यहाँ पे आप ये फाइल में जाइए, उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट है, कंट्रोल इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, Ctrl+I, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद इंपोर्ट मीडिया का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नॉर्मल सा एक वीडियो क्लिप यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं, ये वाला वीडियो क्लिप, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए वो वीडियो क्लिप यहाँ पे आ गया। अब इस वीडियो क्लिप को हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो नीचे टाइमलाइन है यहाँ से भी हम लोग ये टूल्स के माध्यम से वीडियो क्लिप को काटते हैं, लेकिन हम लोग ये जो मीडिया व्यूअर है यहाँ पे इसके माध्यम से हम लोग काटेंगे वीडियो क्लिप को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो वीडियो क्लिप को जिसको काटना है, इसको जो हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट के माध्यम से लेकर आए हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वीडियो क्लिप शो करेगा। ये देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, या ये देखिए ये मीडिया व्यूअर पे क्लिक कर दिया। इसको आप डबल क्लिक कीजिएगा और ये जो मीडिया व्यूअर है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वीडियो क्लिप शो करने लगेगा। ये ऑन था इसलिए शो नहीं कर रहा था, इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा, यहाँ पे देखिए वो वीडियो क्लिप आ गया। अब क्या करना होगा आपको, ये जो वीडियो क्लिप यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके ठीक नीचे देखिए मीडिया व्यूअर के ठीक नीचे यहाँ पे कुछ बटन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ये प्ले का बटन है। इसको मैं जैसे यहाँ पे प्ले कर,
ये देखिए मेरा वीडियो क्लिप प्ले हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो क्लिप में चल रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए लाल रंग का जो ये दिखाई दे रहा है, ये है टाइमलाइन का स्क्रबर है। अब ये जो है इसको स्टार्टिंग पे आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, या फिर एंडिंग तक आप इस तरह आप इसे मूव करा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लंबा चौड़ा वीडियो क्लिप रहता है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको काटना होता है। तो सपोज मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है, तो उस जगह से आप प्ले करके भी वहाँ तक जा सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मैं मुझे यहाँ यहाँ पे यहाँ से मुझे इस वीडियो क्लिप को काटना है, तो इस जगह पे मैंने ये जो टाइमलाइन का स्क्रैपर यहाँ पे ला के रख दिया, और यहाँ पे कुछ बटन आपको शो कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पे शो कर रहा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे ला कर रख दिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, तो एक लिस्ट उभर कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सेट इन पॉइंट, इन पॉइंट इस पे आप क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही इन पॉइंट यहाँ पे सेट होगा, देखिएगा ब्लू कलर का एक पट्टी इस तरह दिखाई देगा आपको, मतलब ये इन पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब आपको चाहे तो आप इसे फिर से प्ले कीजिए, ये देखिए मेरा वीडियो क्लिप प्ले हो रहा है। अब जिस जगह तक आपको रखना है, जैसे मान लेते हैं ये यहाँ तक रखना है, ये बुकिंग तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन पॉइंट हम लोगों ने दे दिया। अब यहाँ तक क्लिक किया, यहाँ तक चला गया मेरा ये टाइमलाइन स्क्रबर, ठीक यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर सेट आउट पॉइंट दे दिया, मतलब यहाँ से लेके मेरा वीडियो क्लिप यहाँ तक सिलेक्टेड हो गया। मतलब ये वीडियो क्लिप तो हो सकता है बहुत लंबा है, लेकिन सिर्फ ये पोर्शन यहाँ से लेके मुझे जैसे यहाँ पे इस जगह इन पॉइंट से लेके आउट पॉइंट तक यहाँ तक इसे फिर से प्ले करते हैं। ये देखिए प्ले हो रहा है मेरा वीडियो क्लिप, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इस वीडियो क्लिप को रखना है, ये जो सिलेक्टेड है इन पॉइंट से लेकर आउट पॉइंट तक। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, आप इसे ड्रैग करके यहाँ से लाके आप इसको अपने टाइम लाइन में इस तरह आप ला के रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए सिर्फ वही पार्ट यहाँ पे आपका ये जो टाइम लाइन का विंडो है यहाँ पे आ गया। आप इसे स्टार्टिंग में बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए मैं इसको ठीक नीचे ला के रखा हूँ। अब मैं ये टाइम लाइन स्क्रबर आपको दिख रहा है, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। ये आपका सीक्वेंस व्यूअर है, यहाँ पे आप इस वीडियो क्लिप को प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए मेरा वीडियो क्लिप प्ले हो रहा है, देखिए ठीक है, हम बुकिंग पे आके ये खत्म हो जाएगा। देखा, फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए वीडियो क्लिप देखिए मेरा यहाँ पे प्ले हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ठीक बुकिंग के पास आके यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ से इन एंड आउट मैंने इस वीडियो क्लिप को यहाँ से काट दिया। अब सवाल उठता है ये इन पॉइंट है और ये आउट पॉइंट है। अब ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इस पे अगर क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक हम लोग इन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। देखिए ये जो लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा ट्रायंगल नुमा यहाँ पे, अब ये इन पॉइंट के लिए, और दूसरा जो बटन है यहाँ पे क्लिक कर आउट पॉइंट पे ठीक पहुंच जाएगा। ये देखिए क्योंकि मैंने इन पॉइंट और आउट पॉइंट यहाँ पे सेट करके रखा है। फिर देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए रेड वाला बटन यहाँ पे पहुंच गया, फिर ये बटन पे क्लिक करूंगा, ये आपको इन में पहुंच गया। तो इन और आउट यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, और ये फ्रेम बाय फ्रेम अगर एक वन फ्रेम मूव करता है, ये देखिए एडिट करना होता है तो फ्रेम बाय फ्रेम ये बटन मूव करता है लेफ्ट हैंड साइड तब जाने के लिए, और ये आपका राइट हैंड साइड मूव करने के लिए। तो ये तो इन एंड आउट पॉइंट देखा हम लोगों ने, वीडियो क्लिप ला के यहाँ पे रख दिया। अब ये इन पॉइंट और आउट पॉइंट, आप यहाँ से भी ये इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेट कर सकते हैं। ये जो मेनू बार है एडिट में जाइएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए सेट इन पॉइंट, और यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया आई और इन पॉइंट के लिए, और यहाँ पे सेट आउट पॉइंट, यहाँ पे ओ भी दिया हुआ है। तो आई और ओ शॉर्टकट का इस्तेमाल करके भी आप इन एंड आउट सेट कर सकते हैं। और इसके बाद अब इन पॉइंट और आउट पॉइंट हम लोग यहाँ से तो देख लिया, अब ये हम मेरा काम हो गया एडिट, यहाँ से यहाँ तक लाकर हम लोग इन पॉइंट और आउट पॉइंट देकर यहाँ पे वीडियो क्लिप को काट दिया। अब ये सवाल उठता है मुझे नहीं चाहिए, अब हो गया काम, अब आगे फिर एडिट करना है। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, ये लिस्ट उभर कर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लियर इन एंड आउट, अब इस पर क्लिक कर दीजिए, अब इन पॉइंट और आउट पॉइंट मेरा चला गया। अब फिर से दोबारा आपको यहाँ से मान लेते हैं, अब यहाँ से लेकर मुझे इस जगह से वीडियो क्लिप को थोड़ा सा पोर्शन काटना है, तो सिंपल है, फिर यहाँ पे ला के रख दिए ये टाइम लाइन, आप इस तरह मूव कर सकते हैं जहाँ तक आप चाहिए आप रख सकते हैं। जैसे ये वाला आप दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से मुझे थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक काटना है, तो यहाँ पे ला के रख दिया। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, उसके बाद सेट, यहाँ पे देखिए सेट इन पॉइंट दे दिया यहाँ पे, फिर दोबारा प्ले करते हैं। ये देखिए प्ले किया, बस यहाँ तक मुझे रखते हैं ना, बस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, आ गया ये। अब यहाँ पे आके फिर से मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेट आउट पॉइंट दे दिया, मतलब यहाँ से सिर्फ ये पोर्शन मुझे चाहिए, हो गया, यहाँ से इन पॉइंट और आउट पॉइंट दे दिया। अब हमें क्या करना होगा,
अब ये जो है, अब इसे इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखिए, उसे विस्तर ड्रैग करके लाके यहाँ पे रख दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सिर्फ क्या होगा, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो क्लिप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया था, ये पूरे वीडियो से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कट करके ला के रख दिया। अब हम लोग इसे प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं प्ले करता, ये देखिए प्ले हो रहा है, ये देखिए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वीडियो क्लिप यहाँ पे मैंने टाइमलाइन पे रख दिया। मतलब ये लंबे वीडियो से आप थोड़े थोड़े पार्ट इन पॉइंट आउट पॉइंट देके कटिंग कर सकते हैं, विदाउट आप टाइमलाइन में रखे हुए आप ये जो मीडिया व्यूअर है यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब ये जो पोर्शन गैप है यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए रिपल डिलीट एम्प्टी स्पेस। अब देखिए ये दोनों वीडियो क्लिप यहाँ से ज्वाइंट हो गया, मतलब जो हिस्सा आपको नहीं रखना है इन पॉइंट आउट पॉइंट देकर काट के यहाँ से आप सिलेक्ट करके लाके टाइमलाइन में लाके एडिट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन पॉइंट आउट पॉइंट आ गया, इसको राइट क्लिक करें, यहाँ से आप क्लियर इन एंड आउट हटा दीजिए। अब एक और बात देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर और एक दो बटन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये बटन है और ये बटन है, तो ये जो बटन दिया हुआ है ड्रैग वीडियो ओनली और ये ड्रैग ऑडियो ओनली, तो इसमें खास बात ये है कि बहुत सारे वीडियो क्लिप में सिर्फ ऑडियो भी रहता है, वीडियो क्लिप के साथ ऑडियो भी रहता है, तो सिर्फ आपको टाइम लाइन पे क्या होता है, टाइम लाइन पे हम उसे अलग करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं डायरेक्टली आप मीडिया व्यूअर से आपको सिर्फ ऑडियो रखना है, ऑडियो लाना है, तो ये ऑडियो वाला भी यहाँ पे ये जो बटन दिया है इस पर क्लिक करके ड्रैग करके ला के यहाँ पे नीचे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ऑडियो ट्रैक ही नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए ऑडियो ट्रैक आ गया ये वाला बटन के माध्यम से। अब आप चाहते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, आप चाहते हैं सिर्फ इसका वीडियो चाहिए तो सिंपली है ये जो बटन दिया हुआ ये वीडियो के लिए इस पर ड्रैग करके ला के यहाँ पे रख दीजिए, इससे वीडियो देखिए यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, इसका ऑडियो नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी अच्छा एक फंक्शन दिया हुआ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिर्फ ऑडियो अगर निकालना है तो ऐसे भी ड्रैग करके ला सकते हैं। ये जो बटन है इस पर क्लिक करके आप ड्रैग करके टाइमलाइन, ये जो टाइमलाइन का ये जो अलग अलग ट्रैक्स दिया हुआ है इस पर ला के रखिएगा तो ऑडियो आ जाएगा, ये वाला यूज़ कीजिएगा तो वीडियो आ जाएगा, वीडियो क्लिप से सिर्फ वीडियो आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे हम लोग मीडिया व्यूअर के माध्यम से वीडियो क्लिप को कैसे काटते हैं, यानी कैसे स्प्लिट करते हैं और इन एंड आउट पॉइंट देकर। और भी कुछ जानना चाहते हैं और वीडियो एडिटर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।